जब वो बोलते हैं 32, 33 से आप करते हैं, अब उसके बाद लतीफा हो जाता है। उसके बाद बात बड़ी तो 33 में ही बैन ही होता था, 43 में भी, 53 में भी, हर लफ्ज में इसमें 3 तो मतलब जो भी जो टीचर वगैरह आते थे डेमोंस्ट्रेटर वगैरह मतलब बेबस हो जाते थे। देखिए जी लड़के जो थे उस जमाने में लड़के जो थे ऐसे ही करते थे यार, तो इनको रोजाना मुसलसल एक महीने के राज में सुना, इनका दिमाग से करने की जरूरत है। अच्छा आपने नहीं देखी तो दो चोटियां डाल लेती लड़की बकरी वाली हो जाते। उनका उनका एक मिलिट्री का आर्मी की फैमिली से थी, तो एक फौजी ड्राइवर था, वो कार चला के आता था और सारा दिन क्लास में, वो तो क्लास में रहती, ये सरकारी गाड़ी में बाहर बैठा रहता। तो एकदम मैंने उनसे कहा कि वो कहाँ किसी बात से कहा, मैंने कहा वो आपका जो गुलाम है ना वो उसे कुछ खिलाया पिलाया भी करें, लड़के तरस खाते उस पर, सारा दिन वो बेचारा बैठा रहता है, वो सायादार दरख ढूंढता रहता था कि किसके नीचे जा खड़ा होगा, आपका जो गुलाम है। जवानी का जो पीरियड था पिछले दफा तो सबने ये कहा था ना, ये आए नहीं थे ना प्रोग्राम में, लास्ट टाइम ढीली हो गई आपको याद आती पुरानी जाती नहीं है, आप कहते हैं हमारे साथ ये था कि क्योंकि डॉर्मेटरी में काम करते सारे कुछ ना, तो दूसरे मेडिकल कॉलेज में मैं थी, ऐसे गए तो इनकी क्लास की मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, सुबह एक दिन नॉक हुआ मेरे दरवाजे के ऊपर ना, तो दो के तीन लड़कियां थी खड़ी हुई, तो मैंने कहा, मैंने कहा मैं तो आपको नहीं जानती, कहती नहीं हम किंग एडवर्ड से हैं, असल के साथ पढ़ते हैं। अच्छा हम सिर्फ देखने आए थे कि असल की फाइनली किसके साथ एंगेजमेंट हुई है, फाइनली इसलिए नहीं कि भाई हु डिड ही फाइनली पिक्ड, जब आपने अभी तक नायला को देखा थी था और आप कॉलेज गए और मुझे दूसरी लड़की उतनी बड़ी बच्ची थी तो आप डर गए थे। ये वाक्या यूं है, वाक्या यूं है कि मैं, मेरे वाले साहब ने रिश्ता विश्ता तय कर दिया और बात हो गई, तो अब मैंने कहा कि आप तो मिलने में कोई हर्ज नहीं है, तो मेरे ख्याल में चले जाऊं, मुझे ये था कि अगर मेरी बहन ने देख लिया तो एक ऐसा दिन था कि वो चली गई थी वहां पर, वहां से बहन जा चुकी थी, तो मैंने कहा कि मैं जाता हूँ, तो मेरे कुछ चंद एक फौजी कप्तान दोस्त थे, तो मैंने उनको कहा कि यार ये चक्कर है मेरा, उन्होंने कहा ओ शेरबान यार तू जा, मैंने कहा यार कैसे जाऊँ, उन्होंने कहा जाओ, मैं तैयार शहर हुआ, सब वो सब गुड बाय करने पुश करने सलूट मारने और के जाओ, मैंने उनसे कहा इससे आगे कोई ना आए, किससे आगे कोई ना, वो गेट जो था अच्छा गेट के अंदर आया। अच्छा आप नहीं चाहते बेपर्दगी हो? हाँ नहीं नहीं बेपर्दगी नहीं, नहीं था नहीं, आगे, आगे क्या मालूम मेरी क्या हो मेरी क्या इज्जत हो, मैंने कहा मेरी पता नहीं क्या इज्जत हो चाहिए हो, मेरे वालिदैन का क्या है, उन्होंने तो मुझे कह दिया कि जी लड़की की तरफ से यहाँ पर, क्या पता लड़की आगे से कहे कि नहीं जी नहीं मेरे वालिदैन को गलती लगी है आप अपना रास्ता लें, तो मैंने कहा तो मैं वहां जी पहुंच गया, आहिस्ता आहिस्ता चलता पहुंचा, अब चौकीदार को तो पता है कि मैं हमेशा शिनाज को बुलाने आता था, मेरी बहन जो थी, तो उसने कहा गई है वो गई है, मैंने कहा उसको नहीं मिलने आया, तो
तो बड़ा हैरान हुआ कि मैं आज पार्टी और है, आज पार्टी से की कुछ और है, ये क्या है। तो मैंने कहा कि मैं तो कहते हैं वो गई है, चली गई है। मैंने कहा भाई ठीक है। वो आगे गया तो दूसरा जो चौकीदार था ए ब्लॉक का, मैंने कहा कि नायला कमर को बुला दें। तो इतने में मैं सोच रहा था यार इधर से मैं भागूंगा कैसे। गर्ल्स का वो था ना, और इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही थी मुझे कि उफ आपको एम्बैरेसमेंट उफ। मैंने कहा कि यार जमीन फट जाए, मैं इस चौकीदार को क्या क्यों बैठा के यार बुला दें। निकल आती तो आपने सोचा नहीं कि हजारों दफा आया हूँ, कभी ऐसी हालत नहीं हुई, कभी कैफियत नहीं हुई जी। हजारों दफा आए हैं, इन्हें लड़कियों से तो पैसे लेके मैं खाना वाना खाता था। कई दोस्तें थी जिनको कहता था कि पैसे कोई नहीं है तेरे पास कितने हैं, तो वो पैसे वैसे दे देती थी मुझे। तो वो उस जमाने में मेरे थोड़े और शौक भी थे, थोड़ा मैं ड्रिंक व्रिंक भी करता था, तो मेरे दारू मारू के जो सिलसिले थे वो उसमें। रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी? तो वो जो था मेरा खत्म हो जाते थे, तो उस महीने के आखिर में लड़कियां लड़कियां चंदा जमा करके ऐसे ऐसे देती थी, इकट्ठा करके उनको पता होता था कि आएंगे सारा। वो पता नहीं करते थे होटल का जो मेरे हॉस्टल वाला बहरा था, वो इतना नेक आदमी था, लोगों की रद्दी बेच के मेरे लिए बंदोबस्त। इतना नेक, इतना नेक था। अल्लाह बड़े ऐसे पास रहे कि रद्दी बेच के पैसे जमा करना। वाह वाह, रद्दी बेच के। अच्छा जब फिर बताए क्या पूरी स्टोरी सुनाए वो। मैं वहाँ पहुँचा डर के मारे, बुरा हाल। फिर अब वो वहाँ इतने में एक लड़की आई बाहर, सीधी मेरी तरफ नहीं आई, आई किताब उसने हाथ में पकड़ी। और मैंने कहा यार, उसने ग्राउंड में गई और जाके किताब ली हुई घूमने फिरने लग गई। यही नायला होगी। तो ये देखने आई है, सीधी बात नहीं कर रही। मैंने देखा मैं को, तो इतनी भयानक सी लड़की है। क्या खतरनाक से? बहुत यानी है, बदसूरत, जो मुंह भी नहीं धोती ना उस किस्म की। जैसे सोची थी वो नहीं थी ऐसी। तो वो ऐनक लगाई हुई चल रही। चलो जो किस्मत है अब क्या करें। एक बार पहले जो देखी थी वो तो डिफरेंट थी नायला, तो मैंने कहा शायद अब की बार ऐसी लग रही हो। ये नहीं सोचा जो मेरा रिकॉर्ड उसके मुताबिक ऐसे मिलनी चाहिए। थोड़ी देर चौकीदार आया, नहीं, मैं थी। तो मैंने उसको कहा कि जी वो क्या है, कहते कहा है ना वो नहीं है। मैंने कहा नहीं है, ये कौन है? इसको बुला दूं? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं बुला, नायला को मिलने आया हूं। नायला कहते नहीं है, नायला गई है। शुक्र है जी वहां से वापस आया तो आते कप्तानों ने घेर लिया, सारे फौजी खड़े हैं गेट में। क्या हुआ? मैं कुछ नहीं, वो है ही नहीं है। फिर मेरी हालत ही कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि मैं इतना एम्बेरस फील कर रहा था कि मैंने हरकत क्या की है। लो जी ये तो मेरी हरकत थी। अब मुझे ये था, घर गया मैं तो मैंने मेरे वालिद साहब ने कहा कि बड़ा अच्छा है, लड़की वाले जो हैं नायला की वालिदा और उसके भाई जो हैं आ रहे हैं घर इस तारीख को, कल आ रहे हैं। उमर खताब को मैंने कहा, उमर खताब हम शिकार पे जा रहे हैं। मैंने कहा जा रहे हैं। मैंने कहा चलो। सुबह सुबह उठे, तैयार शहर हुए, मैं सर जी जाता होता था, हम लोग तीतर वगैरह के लिए निकलते, मेरे बाल देख ली जाते होते, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जी घर पे जाना। फिर हो गया तो इधर आओ क्यों जा रहे हो? मैंने कहा जा रहा हूँ। बेटा बिल्कुल नहीं, बड़ा बुरा लगता है, लड़की वाले वो लोग आ रहे हैं, आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। उमर साहब को भी कहा बैठ जाओगी, बैठ गए जाके। अब जो ये हुआ सिलसिला, तो आगे उसके बाद वो वहाँ पे वो जो था ना, थोड़ी देर बाद कार आई तो क्या देखते हैं, नायला साहिबा उतर के आ रही है, ये तशरीफ ले आई। तो आपको कैसे पता था कि वो है? मैंने जो ही देखा तो मैंने समझ गया, अपनी अम्मी के नाल सा, दिल के अंदर से भाई साथ, दिल के अंदर से आवाज आई कि ये ही है अम्मी साथ, भाई साथ। फिर मैं कहूँ कि यार थोड़ी बात भी हो जाए थोड़े, तो भैया चांस ही ना दे जी। वो भाई जो था साथ चौकीदार खड़ा है,
अच्छा हर जगह भाई यही, हर जगह भाई यही करते हैं, हर जगह भाई यही करते हैं। उन्होंने भी अपना पता है क्या ना नाश्ता वाले। हालांकि भाइयों के साथ भी ये हो चुकी होती है, फिर भी वो इतने जालिम होते हैं उस टाइम पे। अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं डॉग्स पर शुशु भी कराने जा रहा हूं। व्हाट्सएप फिल्म बनाई आपने?